दोस्तों आज हम फिर से लेकर आए हैं फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली कुछ अद्भुत चीजों की जानकारी को लेकर, और यह वीडियो ऑन डिमांड बनाई गई है। यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि आज हम आपको यह बताएंगे कि फैक्ट्रियों में आपकी मनपसंद कोका कोला को कैसे तैयार किया जाता है और बियर को फैक्ट्रियों में कैसे तैयार किया जाता है। तो बने रहना इस वीडियो के अंत तक क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं जिससे कि आप आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पा सकते हैं सबसे पहले। तो शुरू करें। यह लाल रंग जो आपको दिख रहा है यह कुछ और नहीं बल्कि कांच है जिससे कांच की बोतल को तैयार किया जाएगा। और दोस्तों कुछ इस तरह से लाल रंग के कांच को शेप दिया जाता है। जैसे ही कांच इस शेप के अंदर जाता है वैसे ही यह बंद हो जाता है और बाहर निकलकर आती है कांच की एक शानदार बोतल। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे 100 से भी अधिक खांचे होते हैं जो बोतल को तैयार करके बाहर की ओर कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं। इन्हीं खांचों में पेप्सी व किंगफिशर बियर की बोतल को तैयार किया जाता है। अभी आप आगे देखोगे कि इन बोतलों में पेप्सी को कैसे भरा जाता है। अभी आपने देखा कि कांच की बोतलें कैसे बन रही हैं। अब आप देखोगे कि इन बोतलों में बियर को कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले तो इन सभी कांच की बोतलों को एक कन्वेयर बेल्ट पर आगे लाइन में रख दिया जाता है और इनकी काउंटिंग होना शुरू हो जाती है। काउंटिंग होने के बाद इनमें बियर को भरा जाता है। जब बियर की बोतलें भर जाती हैं तो फिर इनके ऊपर ढक्कन को लगाया जाता है, वो भी मशीनों के द्वारा कुछ इस प्रकार से। जब ढक्कन सभी बोतलों पर लग जाता है तो एक बार फिर से इन्हें पानी के एक प्रेशर पाइप से इन सभी बोतलों को धोया जाता है, फिर आगे भेज दिया जाता है इन सभी बोतलों की लेवलिंग के लिए। जो आप बियर की बोतल के ऊपर उसका नाम देखते हो उसे ही लेवलिंग कहते हैं। और लेवलिंग होने के बाद इन सभी बोतलों को पैक किया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। शादी हो या पार्टी, आज 2020 में कोई भी सलाद को हाथ से काटना पसंद नहीं करता है। वह जमाना गया कि चौराहे के साइड में जूस बेचने वाला व्यक्ति जूस के लिए फलों को छीलता था। आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ गई हैं जो आपको हर प्रकार के फल का जूस तैयार करके दे देती हैं। और दोस्तों यह मशीन भी जूस निकालने के लिए ही जानी जाती है जिसका नाम है AMS 220, जो अनानास तरबूज जैसे फलों को छीलकर उनका जूस निकालने के लिए जानी जाती है। इनका प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिस भी फल का आपको छिलका उतारना है उसको इस स्टैंड पे लगा दीजिए और देखिए कितने मज़ेदार तरीके से फल का बाहरी छिलका निकल जाता है। और ऐसे ही आप कई प्रकार के फलों का छिलका उतार सकते हो। आज वो जमाना आ गया है कि महिलाएं सब्जियां भी मार्केट से कटी हुई ही लाती हैं। जी हाँ, सुनने में भले ही आपको अजीब लगे लेकिन यह सत्य है। लेकिन उन सब्जियों को कुछ इस तकनीक से काटा जाता है। यहाँ बंद गोभी को काटकर व उनको साफ करके पैकेजिंग किया जा रहा है। इस मशीन के द्वारा कई प्रकार की सब्जियों को काटकर पैक किया जाता है। इस वीडियो क्लिप में आप देखोगे कि जो एप्पल का जूस आप दुकान से खरीद कर पीते हो उसको कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले यहाँ एप्पल की ट्रे को ब्रश से लैस इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर सेब के ऊपर जो भी गंदगी होती है उसको साफ कर लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें पानी से भरे कंटेनर में डाल दिया जाता है। यहाँ कुछ इस प्रकार से इन्हें कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आगे की ओर भेजा जाता है जहाँ इनका मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर इसका इसलिए बनाते हैं क्योंकि जूस निकालने में आसानी हो जाती है। इन जूस की बूंदों को नीचे गिरता देख आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? भाई मेरे मुंह में तो सही में पानी आ गया।
जी हाँ, मान लीजिए कि आप सिनेमा घर के अंदर बैठे हो और आपके सामने बागी 3 जैसी मूवी चल रही हो, तो एक ऐसी चीज की कमी तो रहती है जो बागी 3 जैसी मूवी को और भी ज्यादा कमाल की बना देती है। जी हाँ, उसका नाम है पॉपकॉर्न। और पॉपकॉर्न खाते वक्त मूवी को देखना, वाह, कुछ अद्भुत ही होता है। क्या आपको पता है कि इन पॉपकॉर्न को कैसे तैयार किया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पॉपकॉर्न को कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले मक्का के दाने, तेल व नमक को लिया जाता है और इन सभी को एक कंटेनर में मिलाया जाता है और फिर इस कंटेनर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है 4 से 5 मिनट। रखने के बाद इसके ढक्कन को उठाया जाता है और इनमें बने पॉपकॉर्न को आगे प्लेट पर डाल दिया जाता है और बाद में इन पर मसाला छिड़क कर इन्हें और भी अधिक स्वादिष्ट बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दोस्तों, नारियल का तेल सदियों से चला आ रहा है, महिलाएं हों या फिर पुरुष, सभी लोग आज इस तेल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो नारियल के तेल को तैयार कैसे किया जाता है? नहीं जानते तो वीडियो को ध्यान से देखिए। नारियल के तेल को तैयार करने से पहले नारियल को इकट्ठा किया जाता है जहाँ पर नारियल के पेड़ होते हैं, जो कि कंपनी वाले खुद लगाते हैं। अगर आपने कभी नारियल खाया है तो आपने देखा होगा कि नारियल के ऊपर एक लकड़ी की परत होती है जो बहुत ही मजबूत होती है। अगर नारियल इस स्थिति में किसी के सर पर गिर जाए तो डेफिनेटली किसी का भी सर फट सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ इस प्रकार से नारियल के ऊपर से इस लकड़ी के छिलके को उतारा जाता है और नारियल को फोड़कर आगे की तरफ कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जहां पहले इन नारियल को पानी के स्प्रे से धोया जाता है और बाद में इनको पीसा जाता है। जब नारियल पूरी तरह से बारीक हो जाता है तो उस नारियल के बचे अवशेष को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से बचा हुआ नारियल का तेल निकल जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से तैयार होता है नारियल का तेल। जब इस तेल की पूरी तरह से रासायनिक जांच कर ली जाती है तो इनको पैक करके आगे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से आप इनको दुकान से खरीद कर इस्तेमाल करते हो। दोस्तों, आप में से रोल किसने खाए हैं? मेरी तो छोड़ो, मैं तो इन्हें खाता ही रहता हूँ। लेकिन क्या आप जानते हो कि रोल को बनाने के लिए भी मशीन बना ली गई है जो कुछ इस प्रकार से रोल को तैयार करती है? चलो बताइए, ये देखने में क्या लग रहा है? ये वही लग रहा है ना जो उस मूवी में आइसक्रीम मिल गई। जी हाँ दोस्तों, इस मशीन के द्वारा मीट के गोले तैयार किए जाते हैं, वो भी अलग अलग साइज के। सबसे पहले एक बड़े कंटेनर में मीट को डाल दिया जाता है, उसमें कुछ विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को मिलाकर, और आप देख ही सकते हो कि इसके बाहर मीट कुछ इस प्रकार से निकलता है और मीट की क्या हालत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मीट को ऐसे क्यों किया जाता है, तो रुकिए अभी बताते हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मीट के पेस्ट को तैयार कर लिया जाता है, तब इन्हें अगली मशीन पर ले जाया जाता है जहां इस मशीन से अलग अलग प्रकार के साइजों में इस मीट के पेस्ट को काटा जाता है। यहां इन्हें गोल आकार व रोटी जैसे आकार में काटा जाता है और काटने के बाद इन्हें पैक कर लिया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इन्हें खाया कैसे जाता है, तो इन्हें खाने के लिए गर्म तेल में तड़का लगाया जाता है। अब अंत में आपको ये बताते हैं कि कोका कोला को कैसे तैयार किया जाता है, जिसके एड आप डे बाई डे देखते ही रहते हो। कोका कोला बनने की प्रोसेस शुरू होती है कुछ इस ढंग से। कोका कोला का मिक्सचर तैयार करने के बाद कोका कोला की सभी बोतलों को एक पट्टी में लगा दिया जाता है, जहां से यह बारी बारी से करके आगे जाने लगती हैं और इनके बाद इनको स्वच्छ पानी से धोया जाता है। धोने के बाद पहले से ही बनी पेप्सी को इनमें भरा जाता है। जब बोतलों में कोका कोला भर जाती है तो इनके ऊपर ढक्कन को कुछ इस ढंग से लगाया जाता है।
जब ढक्कन लग जाता है तो बात आती है इनके ऊपर कोका कोला का स्टिकर लगाने की, जिसे लेबलिंग बोलते हैं, जिसे इस प्रकार से लगाया जाता है। जब स्टिकर लग जाता है तो दोस्तों इन बोतलों को पैक किया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पा सकते हैं सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।